नमस्कार, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। लालू प्रसाद यादव अब अपने घर को आएंगे और इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को रांची कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हां, चारा घोटाले में सजा याचिका थे लालू प्रसाद यादव और कई बार यह मामला सामने आया था कि बीजेपी के लोगों के द्वारा लालू प्रसाद यादव को फंसा करके जेल में रखा गया है, लेकिन अब कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी गुड न्यूज रही है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी राजद के समर्थक है, लालू प्रसाद यादव के चहेते हैं, तो लगातार हम आपको बताते हुए आ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द जी हां घर को आ सकते हैं। अब लालू प्रसाद यादव के जब जमानत मिल चुकी है, उसके बाद में अब क्या कुछ होने वाला है, यह सबसे पहली नजर बनी रहेगी हमारी। और एक एक अपडेट आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के जमानत मिल चुकी है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के अंदर अपनी इलाज करा रहे हैं। बेटी जो है वो लगातार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोजा कर रही थी और लालू प्रसाद यादव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनको तुरंत जमानत मिले इसके लिए तेज प्रताप यादव ने कई लाख आजादी पत्र राष्ट्रपति के पास भी भिजवाए थे, लेकिन उसके बाद में भी जमानत की कोई आस नहीं लगी, जिसके बाद में आज कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के जमानत पर सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। सीबीआई इस मामले में बड़ी अड़ंगा डाल रही थी, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि सीबीआई यह चाहती है कि ये मामलों को और ज्यादा उलझाया जाए और ज्यादा जी उलझाकर लालू प्रसाद यादव को जेल में रखा जाए। सीबीआई का दरअसल कोर्ट में यह दावा था कि लालू प्रसाद यादव को 14 साल की सजा है, जिसमें से उनको आधी सजा कंप्लीट करने के लिए 7 साल जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन यह मामले पर अब किसी भी प्रकार का कोर्ट जो है अपना फैसला ले लिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव को तमाम इसमें अर्जियां डायल करी गई थी। कई बार लालू प्रसाद यादव के जी हां स्वास्थ्य को लेकर अर्जियां दायर करी गई थी कि लालू प्रसाद यादव जी को बेल दिया जाना चाहिए था। तो अब लालू प्रसाद यादव जी को किस चीज पर बेल मिला है, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव को दरअसल ये चीज पर बेल मिला है, लालू प्रसाद यादव जो कि आधी सजा कंप्लीट कर चुके हैं, इस मामले में उनको आधी सजा कंप्लीट करने की एवज में बेल मिली है। हालांकि कई मामले लालू प्रसाद यादव जी के कई मामले जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर आ गए हैं तो बंगाल का रुख करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी को रोकने का तमाम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव घर को वापस नहीं आएंगे। ऐसी भी खबरें आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य जब तक सही नहीं हो जाती तो एम्स हॉस्पिटल के अंदर से जी पटना लाना ये काफी ज्यादा जी आपको दारे की मुश्किल हो जाएगा। और लालू प्रसाद यादव के चहेते लोग इतने ज्यादा हैं कि वो जब पटना ही आते ही लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंच जाएंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव को फिलहाल दिल्ली ही रखा जाएगा। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है, बड़ी गुड न्यूज है कि लालू प्रसाद यादव को अब जमानत मिल चुकी है। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके हैं। राजद के तमाम जितने भी लोग थे वो इस बात का जी हां पूरी तरीके से इंतजार कर रहे थे, इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जेल से कब बाहर निकलेंगे, लालू प्रसाद यादव की जमानत कब मिलेगी, लेकिन आखिरकार आज लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल ही गई, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए। अब इस मामले में आपको बता दें कि कल जो है तेज प्रताप का जन्मदिन था और जन्मदिन का आज एवज में बड़ी गुड न्यूज बड़ी जिया धूम धड़ाके हुआ, जिसमें तेज प्रताप यादव को जिया ये लगा था तेज प्रताप यादव पूजा पाठ करते हुए थे और कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव के जमानत के लिए तेजस्वी यादव ने भी जिया बाबा बैजनाथ का धाम और झारखंड में लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कई धामों को उन्होंने किया। बेटी जो थी वो अलग ही लालू प्रसाद यादव को जमानत को लेकर कई सवाल खड़ी कर रही थी, सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब अब मिल चुका है। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके हैं और अब बिहार के अंदर एक अलग भूचाल आएगा, एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिलेगा, जहां पर लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता हैं, वो गरीबों की बात करते हैं, तो अब क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेज प्रताप के जन्मदिन पर यह बड़ा तोहफा मिला है,
जी हाँ, तेज प्रताप के जन्मदिन पर ये बड़ा तोहफा, पिता की रिहाई, पिता के घर वापसी, जो लगातार वो कह रहे थे कि पिता को रिहाई करनी चाहिए, और तेज प्रताप के द्वारा लगातार, जी हाँ आपको बता रहे कि कई बार तेज प्रताप यादव जी के द्वारा जो आजादी पत्र है वो राष्ट्रपति के पास भिजवाए गए, राष्ट्रपति ने इन तमाम मामलों पर सुनवाई की थी, तमाम मामलों पर देखी थी, लेकिन उसके बाद में आखिरकार आज जो है लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई। तेजस्वी यादव जो कि राजद खेमे के सबसे आज बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इस पर शुक्रिया भी जताया है, और यह तमाम उन अधिकारियों का शुक्रिया है जो कि लालू प्रसाद यादव की समस्याओं को समझते हुए लालू प्रसाद यादव को न्याय दिलाए, न्याय अब मिला है लालू प्रसाद यादव को, जब तब वह घर को वापस आए हैं, लेकिन अब जो लालू प्रसाद यादव जी को लेकर किस तरीके से अब नई रणनीति रहती है, क्या उनका इलाज पटना के किस हॉस्पिटल में कराया जाएगा या एम्स में, दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव जी को रखा जाएगा, या पूरा मामला, जी हाँ जितना भी यह मामला है वो सब घर के ऊपर निर्भर करता है, घर वाले इसका पूरा अब निर्भर करते हैं कि अब लालू प्रसाद यादव जी को लेकर घर वाले क्या कुछ करते हैं, यानी तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और उनकी तमाम बेटियां जो हैं वो क्या कुछ करती हैं, क्या पटना लाया जाता है लालू प्रसाद यादव जी को, या फिर यहां दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के अंदर इलाज ही करवाया जाएगा, यह सब कुछ निर्भर अब उन्हीं लोगों के ऊपर करता है कि वो लोग अब क्या कुछ करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के चहेते लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज, सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं कि अब रिहाई हो गई है, जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लंबे समय से आपने देखा होगा कि कार्ड पर लालू प्रसाद यादव के चहेते लोग कार्ड पर, जी हां आपको बता दें कि घर के न्योतों पर लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग कर रहे थे, उन तमाम लोगों को अब जो गुड न्यूज मिल गया है, अब उन तमाम लोगों को इस बात का जी हां अंदाजा था कि मिलेगा, अब राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, यह तमाम चीजें घर वाले के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपको बता दें कि अब राबड़ी देवी काफी खुश होंगी, घर के तमाम सदस्य जो लगातार लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग कर रहे थे वो लोग खुश होंगे। अब देखने वाली बात यह रह जाती है कि आखिरकार सरकार, अब जिस तरीके से बिहार सरकार है, इन तमाम सरकारों पर लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने जब मुखातिब होंगे तो उनका क्या बयान आएगा, वो क्या कुछ कहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने जब आएंगे तो उनका क्या बयान रहेगा। हालांकि हम लगातार आपको बता दिवा रहे थे कि इस बार किसी भी तरीके का अटकलन नहीं है, इस बार लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलनी है और यह जमानत पूरी तरीके से तय है, तो यह तय इसलिए था क्योंकि उन्होंने आधी सजा कंप्लीट कर ली थी और आधी सजा कंप्लीट करने के एवज में, आधी सजा कंप्लीट करने के कारण उनको जमानत मिलनी थी, ऐसी संभावनाएं लगातार निकल कर आ रही थी। तो बड़ी गुड न्यूज, बड़ी खुशखबरी राजद समर्थकों के लिए, हमें उम्मीद है कि आज की यह दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारी मेहनत का फल इसी से मिलता है, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।